साहिल की रेत पर मेरा चेहरा बनाएगी, साहिल की रेत पर मेरा चेहरा बनाएगी और फिर वो अपनी आंख को दरिया बनाएगी। ये बहुत अच्छा मतलब था, बहुत अच्छा। खैर, आप जितने लोगों ने दाद दी उनका शुक्रिया, जिन्होंने दाद नहीं दी जो सोचने में रह गए, पता नहीं वो कौन से खौफ में है। तुम तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे बीवी के पास बैठे हो। तो अब यार एंजॉय करने की जगह आप डरे समय, मुझे नहीं समझ में आ रहा। इतना उदास तो आदमी अपने घर में होता है जहाँ पे बीवी डांट रही होती है, बेलन लेकर मारने की तैयारी कर रही होती है, वहां उदास रहा कर। ये मुशायरा है भाई आपका, आपको हम लोग शेर हम शेर सुनाने आए तो आप हमारा अमल है कि हम सुना रहे हैं और आप सुन के बताएं ये आपका अमल होगा। तुम तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे बीवी के पास बैठे हो। बैर साहब चलिए, ठीक है। साहिल की रेत पर अब जाके करवटे तेरी समझाऊं जिंदगी, बरसों तेरा मजाक उड़ाता रहा हूं मैं। ये शेर राहिल भाई ने पढ़ा था। साहिल की रेत पर मेरा, इधर देखिए मुस्तफा भाई, मैं आपको भी शेर सुना रहा था। साहिल की रेत पर मेरा चेहरा बनाएगी और फिर वो अपनी आंख को दरिया बनाएगी। कल तुमने जिंदगी का तमाशा बनाया था, अब जिंदगी तुम्हारा तमाशा बनाएगी। कल तुमने जिंदगी का तमाशा बनाया था, अब जिंदगी तुम्हारा तमाशा बनाएगी। मैं चाहता हूं कि एक और शायर हमारी आज की इस बज़्म मोहब्बत में, जो दरसो तदरीस के पेशे से वाबस्ता है, बच्चों को सिखाते सिखाते शेर कहने लगे और शेर कहते कहते माशरती कदरों में जो बिगाड़ पैदा हुआ है कहीं ना कहीं उसको दूर करने और खत्म करने की कोशिश अपनी शायरी के जरिए मास्टर अनीक अहमद अनीक साहब कर रहे हैं। मैं बहुत अदब के साथ उनसे गुजारिश करता हूं कि ये तमाम लोग आपको सुनने के लिए बेचैन हैं, आप यहां तशरीफ लाएं। आप जोरदार तालियों से आली जनाब अनीक अहमद अनीक साहब का इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम हजरात, मैं यहाँ एक मेहमान की हैसियत से आया था, ऐसे शायर की हैसियत से नहीं, मगर ये मेरे भाई की मोहब्बत है कि यहाँ उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। बस चंद थोड़ी देर के लिए मैं आपके दरमियान हूँ जी। मैं यहाँ से अपनी बात का आगाज करता हूँ दोस्तों, के एक लाइन चली थी मीडिया में, बड़ा मजा आ रहा था सुन के सर आपको छोड़ा। एक लाइन चली थी, मैं बगैर कोई तमहीद के सुनाता हूँ अंजुम भाई, देखिए के हर हर एक बर्फ का टुकड़ा पिघलने वाला है, हर एक बर्फ का टुकड़ा पिघलने वाला है, अंधेरे चीर के सूरज निकलने वाला है। भाई निजाम भाई, हर एक बर्फ का टुकड़ा पिघलने वाला है, अंधेरे चीर के सूरज निकलने वाला है। हवाएं तेज हुई हर तरफ बगावत की, हवाएं तेज, हर एक बर्फ का टुकड़ा पिघलने वाला है। मुस्तफा भाई की बेचैनी अल्लाह कम कर दे। वो शेरों के शायरों के शेर बर्बाद कर दे रहे हैं। अल्लाह आपको सुकून दे और अल्लाह आपको घर पे बेचैन रखे, ये मेरी एक शायर की बदुआ है। शेर मैं फिर से पढ़ देता हूँ दोस्तों के हर एक बर्फ का टुकड़ा पिघलने वाला है, अंधेरे चीर के सूरज निकलने वाला है। हवाएं तेज हुई हर सिमत बगावत की, के पेटी बांध लो मौसम बदलने वाला है। पेटी बांध लो मौसम बदलने वाला है। मैंने चंद एक मतलब शेर ये भी सुने भाई के कलम उठा है, भाई हाजिर करता के कलम उठा है तो गर्दिश बाप भी लिखो, कलम उठा है तो गर्दिश बाप भी लिखो, किसी वर्क पर मियां इनकलाब भी लिखो। सदर साहब, कलम उठा है तो गर्दिश बाप भी लिखो, किसी वर्क पर मियां इनकलाब भी लिखो। और उचटती नींद की बेचैनियां तो लिखती है,
उचटती नींद की बेचैनियां तो लिख दी है, किसी की पलकों के नन्हे से ख्वाब भी लिखो, किसी की पलकों के नन्हे से ख्वाब भी लिखो, और चमन का तस्करा करने लगे हैं आप तो फिर, चमन का तस्करा करने लगे हैं आप तो फिर, ये खार तितलियां जूही गुलाब भी लिखो, ये खार तितलियां जूही गुलाब भी लिखो। और एक मतलब एक शेर ये भी है अंजुम भाई के, आया जलाल में जो सराफा फकीर का, आया जलाल में जो सराफा फकीर का, सागर समेट लाया है कासा फकीर का, आया जलाल में जो सराफा फकीर का, सागर समेट लाया है कासा फकीर का, अंजुम भाई के चश्मे फलक ने देखी है ये भी करामते, चश्मे फलक ने देखी है ये भी करामते, उठता नहीं जमीन से बिठाया फकीर का, उठता नहीं जमीन से, उठता नहीं जमीन से बिठाया फकीर का। और एक मतलब एक शेर ये भी है कि मैंने कहा कि लिख सिया, मैंने कहा कि लिख दिया उसने लिखा सफेद, मैंने कहा कि लिख दिया उसने लिखा सफेद, और फिर हंसते हंसते झूठ को भी लिख दिया सफेद, फिर हंसते हंसते झूठ को भी लिख दिया सफेद, और रिश्तों में भाइयों के अजब आ गया निफाक, रिश्तों में भाइयों के अजब आ गया निफाक, जैसे रगों में सबके लहू हो गया सफेद, जैसे रगों में सबके अदिल जैसे रगों में सबके लहू हो गया सफेद, और जब हमने उनके सामने आईना रख दिया, जब हमने उनके सामने आईना रख दिया, तब सारे पारसाओं का चेहरा हुआ सफेद, तब सारे पारसाओं का चेहरा हुआ सफेद। और दोस्तों एक मतला दो तीन शेर फिर आपकी खिदमत तमान के, शोहरा की फहरिस्त तवील है, और ये शेर शायद इस बज़्म में पढ़ना चाहिए इसलिए पढ़ता हूँ। अंजुम भाई देखिए, आदिल भाई अजर देखिएगा कि उतारे सदर साहब उतारे बज़्म में कोई तो खामोशी का बोझ, उतारे बज़्म में कोई तो खामोशी का बोझ, उठाए शम्मा कहां तक ये रोशनी का बोझ, उठाए शम्मा कहां तक ये रोशनी का बोझ, और हवाएं और हवाएं हवाएं गाड़ती फिरती है रेत के खेमे, हवाएं हवाएं गाड़ती फिरती है रेत के खेमे, उठा सकीना कभी सर पे ये किसी का बोझ, उठा सकीना कभी सर पे ये किसी का बोझ, और ये कैसे आज की तहजीब हो गई तब्दील, ये कैसे आज की तहजीब हो गई तब्दील, के आदमी पे भारी है आदमी का बोझ, ये कैसे आज की तहजीब हो गई तब्दील, के आदमी पे भारी है आदमी का बोझ। और ये शेर सुने हैदराबाद मेरा के, एक ऐसा दौर भी देखा, एक ऐसा दौर भी देखा नीक मौसम का, एक ऐसा दौर भी देखा नीक मौसम का, गुलों से उठ ना सका जब किसी कली का बोझ, गुलों से उठ ना सका जब किसी कली का बोझ, गुलों से उठ ना सका जब किसी कली का बोझ। एक मतला दो तीन शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा। आरिफ भाई मतला ये कहा है कि जरूरत से ज्यादा बोलता है, जरूरत से ज्यादा बोलता है, हो सच्चा चुप तो छोटा बोलता है, जरूरत से ज्यादा बोलता है, हो सच्चा चुप तो झूठा बोलता है, तू क्या है और तेरी औकात है क्या, तू क्या है, तू क्या है और तेरी औकात है क्या, ये सब तेरा लिबादा बोलता है, ये सब तेरा लिबादा बोलता है, और वो सच नहीं कहता जुबान से, वो सच नहीं कहता जुबान से, मगर वो झूठ मीठा बोलता है, मगर वो झूठ मीठा बोलता है।